मासूम बच्ची को, 7 साल की बच्ची, क्या तकलीफ नहीं सही होंगी। इतनी छोटी सर की बच्ची दुनिया के नलियों में तकलीफों में चले गई बच्ची, हर माँ बाप के बच्चे सलामत रखो। हमारी बहन की बच्ची चले गए, इतनी छोटी सर की बच्ची, 3 साल, 3 बच्चों की एक बच्ची थी, एक लौती, एक बेटी थी उनकी। मैं कबगी नगर से बात कर रही हूँ। मैं हमारी भांजी की, हमारी भांजी ढेंगो की तरफ से इंतकाल हो गया। 7 से 8 साल की बच्ची थी वो। ये लापरवाही बहुत हो रही घरों के सामने, कचरे कुंडी, ना कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, ना कोई साफ सफाई के लोग आते, ना झाड़ू मारने के लिए आते, ना कचरा उठाने के लिए आते। पीछे देखा तो नाला है, वहाँ की वजह से, पूरे नालों की वजह से मच्छर पूरे फैले हुए हैं। मासूम मासूम बच्चे हैं, हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। इतनी लापरवाही क्यों हो रही? वो बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया था। अवैसी दवाखाने को ले लेके चले गए, 50-50 हज़ार के, 40-40 हज़ार के, 30-30 हज़ार के इंजेक्शन लेने के वजह से भी बाद वजह बच्ची की तबीयत नहीं संभली। वहाँ से सीधा नीलाफर दवाखाने को भेज दिए, ACG निकाले, वो निकाले, ये निकाले, नलियाँ डाल दिए बच्ची को। मासूम बच्ची को, 7 साल की बच्ची, क्या तकलीफ नहीं सही होंगी। इतनी छोटी सर की बच्ची दुनिया के नलियों में तकलीफों में चले गई बच्ची, हर माँ बाप के बच्चे सलामत रखो। हमारी बहन की बच्ची चले गए, इतनी छोटी सर की बच्ची, 3 साल, 3 बच्चों की एक बच्ची थी, एक लौती, एक बेटी थी उनकी। हर चीज़ से करे बच्ची को, हर इंजेक्शन ले गया है, हर पैसा लगा दिया बच्ची को, कई लाख तक पैसा हो गया अवेसी दवाखाने में। फिर वहाँ पर अवेसी में पीढ़ से लेके हर जुमेरात तक थे, जुमेरात की 11 बजे की रात को नीलाफर दवाखाने में भेज दिए बच्ची को। नीलाफर दवाखाने में भी वहाँ पर भी नलियाँ डाल दिए बच्ची को। वहाँ पर फेफड़ों पे इन्फेक्शन हो गया था, लंग्स में पानी आ गया था, पूरा अंतड़ियों में पानी आ गया था बच्ची को। लापरवाही बहुत हो गई डेंगू की, डेंगू की वजह से बच्ची आज 7 साल की बच्ची आज फौत हो गई। आज 7 साल की बच्ची, ये दूसरे बच्चे नहीं होना। यहाँ पर कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, ना कोई, कबगी नगर एरिया है ये, या ये कबगी नगर हाशमाबाद के नीचे है, ये एरिया कबगी नगर है, ये एरिया, यहाँ कोई चीज़ नहीं आती। यहाँ पर लोग कचरे की गाड़ी आई तो लोग कचरा नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? कचरे वाला 100 रुपये ले रहा, बल्कि कचरा नहीं डाल रहे, नालों में कचरा फेंक दे रहे, घरों के सामने कचरे कुंडियाँ बना दिए। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अजाब हो रहा है। घरों के सामने कचरे की कुंडियाँ हैं, ना कोई आके GMCH वाला कोई आके साफ़ सफाई नहीं करता, कोई आके झाड़ू झटका नहीं देता, कोई मच्छर की गाड़ी आके मच्छर की दवा नहीं मार के जाती। ये लापरवाही की वजह से हर बच्चा बीमार पड़ा, सर्दी बुखार से लेके हर चीज़ हो जा रही। कोई किसका ने पैसा है उन्होंने दवाखानों में डाल सकते हैं, जिसका ने पैसा नहीं है तो वो ऐसे ही खो देना औलाद को, ऐसे ही मार देना औलाद को। नहीं करना पड़ता, हर माँ बाप दुआ कर रहे हैं, मगर ये घरों के सामने भी साफ सफाई रहना, अच्छे से दवाएँ मारो, हर बच्चा सेहतमंद रहना। एक माँ आज बहुत तकलीफ में है, एक औलाद को खो के आज सबर नहीं पा रही वो माँ। कोई माँ पे ऐसी आफत ना आ सरकाए, हर चीज़ की फैसिलिटी करो, हर बस्ती में कचरे कुंडियाँ निकाल दो, साफ सफाई करो, मच्छरों की गाड़ियाँ भेजो, हर चीज़ से करो, क्या दोबारा दूसरे बच्चों को इतना बीमारी ये फैले। ये हर बच्चा ये बीमारी से महफूज रखे। ये बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे कुछ नहीं बोल सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, क्या तकलीफ हो रही नहीं बोल सकते। लेके गए दवाखाने में डाल दिए, बच्चा खा रहा नहीं, बच्चा पी रहा नहीं बोलते, नलियाँ डाल के छोड़ देते, वो डाल के छोड़ देते, जिसका पैसा है उन्होंने लगा दे रहे। गरीब कहाँ पैसा लगाना, ले जाते वो दवाखाने में, सरकारी दवाखानों में ले जाके डाल देते, एक एक बेडों पे दो दो तीन दिन डाल देते। उससे पहले ये साफ सफाई करा दिया तो कई को बच्चे बीमार पड़ते। नीलाफर में रात में 11 बजे से 8 बजे से 11-12 बजे तक थे नीलाफर में।
वहाँ पर बोले नहीं माँ बच्ची की हालत बहुत कंडीशन सीरियस हो गई, बोले बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो गई, बोले बच्ची को बहुत डेंगू दिमाग पर चढ़ गया, बोले फेफड़ों में पानी आ गया था, बच्ची की अंतड़ियों में पानी आ गया था, इतनी मासूम 7 साल की बच्ची को जहाँ से बने वहाँ से नलियाँ डाल दिए, वो बच्ची कितना सब्र नहीं करी होंगी, कितना बर्दाश्त नहीं करी होंगी मासूम बच्ची के, ये और ये तकलीफ़ ना दूसरे औलाद पे आए मालूम है, ना छोटे छोटे मासूम बच्चे, उस वजह से आपको बोल रहे कि आप लोगों से गुजारिश करें कि हर महल्ले की साफ़ सफाई कराए, नालों के करीब हमारा घर है वहाँ पर दवाएँ छिनकने लगाए, वहाँ से मच्छर आ जा रहे हैं, लोग गरीब लोग पैसे नहीं दे सकते, नालों में कचरा फेंक दे रहे, घरों के सामने कचरा फेंक दे रहे, उस वजह से मच्छर की तादाद बढ़ जा रही, उस वजह से मच्छर मर जा रहे, गंदगी की वजह से बच्चे बीमार पड़ जा रहे, सर्दी खांसी हो जा रही बच्चों को, हर चीज़ से बच्चे बीमार पड़ जा रहे, मासूम मासूम बच्चे क्या बोल सकते, क्या बोल सकते मासूम बच्चे, उससे पहले अपन एहतियात कर देना, अपन GMCH वालों को यहाँ पर भेजो, यहाँ की साइज साफ़ सफाई कराओ, यहाँ एरिया की साफ़ सफाई, हर एरिया की साफ़ सफाई। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मेरी भांजी महरीन का इंतकाल हुआ है, इसकी वजह यह है कि ये महल्ले में डेंगू की वजह से मेरी भांजी का इंतकाल हुआ, जिसकी मेरी भांजी की उम्र है 7 से 8 साल रहेंगी, समझे ना, हम लोग बहुत तकलीफ़दा हो गए हैं, हम बहुत गमजदा हो चुके हैं, ये सब बल्दिया की लापरवाही की वजह से हो रहा सो है, समझे ना, गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि ये डेंगू के दवाई का छिड़काई किया जाए, समझे ना, महल्ले में सारे लोग बहुत सारे लोग परेशान हाल है। ये कौन सा एरिया था ये एरिया? कबगी नगर का एरिया है, आशामाबाद कबगी नगर का एरिया है ये। बच्ची की तबीयत कब से खराब थी? बच्ची की तबीयत ख़राब होकर 6 दिन हुआ था, डॉक्टर के पास बताए ले गए, अवेसी को लेके गए बताए, वहाँ पर भी इलाज ना होने की वजह से नीलोफर दवाखाने को शिफ्ट किए कल, बहुत सीरियस हो जाने से अवेसी हॉस्पिटल में 4 दिन रखे थे हम लोग, उसके बाद में हमारी इस्तेताद नहीं होने की वजह से वो लोग वहाँ पर लेके नीलोफर लेके चले जाओ बोल के बोले, वहाँ पर ले जाने के बाद में डॉक्टर्स बोले हालत कंडीशन बहुत सीरियस है, कोशिश हम करेंगे बोले, वो लोग कोशिश करे मगर अल्लाह को पसंद नहीं था, वो लोग की कोशिश जारी रखे थे वो लोग, मगर अल्लाह को वो चीज़ पसंद आई थी, अल्लाह ताला वो चीज़ ले लिया, मगर हुकूमत से हमारी इल्तिजा है, ये महल्ले में ये एरिया में बहुत सारे बल्दिया के काम रुके हुए हैं, वो करा दे तो मेहरबानी होगी आप सबकी, और छोटी सी बच्ची के लिए मगफिरत की दुआ की गुजारिश है आप लोगों से, अगर मगफिरत हो चुकी है तो जन्नत में आला से आला मुकाम हासिल करने के लिए उनकी दुआ कीजिए, बस शुक्रिया अल्लाह।